हाय एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है आलू गोभी, जो कि मैंने अपने एक स्पेशल सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बनाया है। तो चलिए देखते हैं क्या चाहिए हमें इसके लिए। हमें चाहिए 2 कप्स ऑफ कॉलीफ्लावर, 2 कप्स आलू एंड स्लाइसेस में प्याज कटे हुए एंड टोमेटो कटे हुए। आलू और गोभी को मैंने थोड़ा सा ब्लांच करके रखा है गर्म पानी में। पहले हम इसको फ्राई करेंगे आलू गोभी को हल्का सा ऑयल में। फ्राई करने से जो उसका टेक्सचर है और टेस्ट है उसमें बहुत डिफरेंस आता है एंड गोभी एंड आलू अलग अलग दिखता है, मैश्ड अप नहीं होता सब्जी में। सो इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पहले बहुत ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ऑयल में गोभी एंड आलू दोनों को थोड़ा सा हल्का सा रेडिश कलर आ जाए उसमें उतना फ्राई करेंगे। अब आलू भी डाल लीजिए इसमें। थोड़ा सा सॉल्ट इसमें मिला दीजिए तो साथ में सेमी कुक भी हो जाएगी सब्जियाँ एंड फ्राइड भी हो जाएंगी। लिड से कवर अप करके इसको थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ देंगे। 20-20 में आप चेक करते रहिए। देखिए लगभग हो गई है हमारी सब्जियाँ, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है। ये देखिए हो गई है, मैंने निकाल ली, अलग कर ली है सब्जियाँ। अब हम सब्जी बनाने की प्रिपरेशन करेंगे। एक पैन लीजिए एंड जब गर्म हो जाए तो उसमें आप ऑयल डालिए। पहले बे लीफ डालेंगे, तेज पत्ता, क्यूमिन सीड्स, जीरा, हींग डाला मैंने इसमें थोड़ा सा एंड ये हमारे क्रश्ड गार्लिक एंड चिली को मैंने स्लिट किया हुआ है, छोटी पीसेस में कम काटती हूँ। प्रेस्ड किया हुआ गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप प्लीज़ एक बार ट्राई करके मुझे बताइएगा। रादर देन टू कट इट, आप जस्ट उसको प्रेस करके डालिए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अनियंस डालेंगे हम इसमें, अनियंस हल्के ब्राउन हो जाए फिर हम टोमेटो ऐड करेंगे इसमें। अनियंस हो गए हैं हमारे लगभग, टोमेटोज ऐड करिए। अब मसाले ऐड करेंगे, नमक भी ऐड किया है मैंने थोड़ा सा पकने के लिए, टोमेटोज थोड़े सही से पक जाते हैं नमक से। टर्मेरिक ऐड करिए, हल्दी पाउडर 1 पिंच, 1 पिंच मैं लाल मिर्च डालूँगी, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और अराउंड 1.5 टीस्पून एंड 2 टीस्पून अराउंड गरम मसाला। मिक्स कर लीजिए इसको आप एंड लिड लगा के इसको थोड़ा सा पकने देंगे। देखिए हमारी मिक्सचर ये सही हो गया, कुक भी हो गया एंड मसाले भी इसके अंदर चले गए। अब हम अपनी सब्जियां ऐड कर लेंगे इसमें। आलू और गोभी को आप ब्लांच करके रखोगे तो वो पहले से थोड़ी सेमी कुक हो जाती है एंड फ्राई कर लोगे तो उसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा एंड आपको ये अलग अलग दिखेंगे गोभी, नहीं तो क्या होता है कि गोभी पूरी मैश्ड हो जाती है सब्जी में और पता नहीं चलती है। बंद करके हम इसको थोड़ा लो फ्लेम पर पकने देंगे एंड बीच बीच में आप क्रॉस चेक करते रहिए। ये देखिए मिक्स करिए एंड हो गई है लगभग सब्जी हमारी। आप प्रेस करके देखिए आलू पक गए हैं कि नहीं। अब निकाल लेंगे इसको हम सर्विंग डिश में। हमारी पैन फ्राइड आलू गोभी रेडी है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिए एंड प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को